सब पीएमओ भी 100% लॉक रही है और पूरा स्टाफ मेरी भक्ति से ये हुआ काम। सीसीटीवी के कैमरे पर बंद कर दिए ड्यूटी स्टाफ है। मां के दोनों के कार्रवाई हो रही है, पुलिस आ रही है, वो हो रहा है। पुलिस तो अलग टीम में बना के काम कर रही है। मां जा क्या कर रही है पुलिस कर रही है। इतना बजट आया अस्पताल में, ये हुआ है, कैमरे सही हुए, कैमरा भी चल रही है। बर्दाश्त नहीं किया तो हम अभी यहाँ आपके कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। नहीं, आप जिला कलेक्टर को पावर है सर, उचित कार्रवाई करो। उनके छोटे अधिकारियों पर घात गिराना मैं नहीं समझता हूँ उचित है। किसी नर्सिंग स्टाफ को हटाना या उसको हटा सकते हो, पीएमओ का पद से तो हटा सकते हो, बर्खास्त नहीं कर सकते, निलंबित तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जांच करा रहे हैं। देखो सर, हम ये चाहते हैं कि आप उचित 100% है बच्चा नहीं मिलता। हमारे बच्चे की हत्या की गई है, उसमें पूरे प्रशासन का हाथ है। हम तो ये गई जिला प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का, यहाँ के राजनेताओं का, कुछ भी हो, सबका हाथ है। और हमारे समाज के बच्चे को उन्होंने मारा, हमें जब तक है नहीं सर। अखबार में हम प्रत्येक प्रश्न में देखते हैं कि पीएमओ की सुबह की चाय अस्पताल में मरीजों के साथ हो रही है या मरीजों के साथ हो रही है। साहब उनका ख्याल ही नहीं रख रहे तो चाय सूर्य पीने से क्या मतलब। जैसे आप घर पर आर्मी की विधायक कह रहे हैं मैं सुबह दिन रुपये अस्पताल में जाता हूँ, वहाँ जाने से क्या मतलब है, व्यवस्था अच्छी बताइए। मैंने आपको बोला है लापता है, ये इनके अंदर की पीड़ा है, ये जागृत होगी सर। इनका भाई सुबह 5 बजे से इनसे नहीं मिला है, ठीक है ना। एक बच्चा है, उसकी माँ का क्या हाल है। जिला प्रशासन की मिली कैमरे बंद करवाई, वो उन्होंने जानबूझ के करवाई और 12 घंटे जीतने के बाद मुझे कोई सुधार नहीं मिला है। हमारा राजपुर समाज और सर्व समाज, हमने ये निर्णय लिया है कि यदि समय रहते बच्चे की बरामद भी नहीं हुई या उसके साथ कोई अनहोनी हुई तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन बांटने की होगी। और हमारी मुख्य मांग है कि पीएमओ साहब को अभी तक दरखास्त करें। सर 12 घंटे हो गए हैं, आप कह रहे थे कि हम 2-4 घंटा में कार्रवाई करके आपको उचित बता दें। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी कार्रवाई हुई है। क्या देखो ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली ये था कि वो हॉस्पिटल के अंदर भी कैमरा बंद था तो अब वो बाहर के 4 रास्ते हो गए, ठीक है। तो हमने 4 SHO की 4 टीमें बनाई है जो उन 4 रास्तों में एक एक दुकान, एक एक बैंक, एक एक प्राइवेट इंस्टॉलेशन में जो CCTV कैमरा है उसकी फ़ोटो निकालते हैं। इसमें ये है कि समय हमारे को पता है, आपने उन्होंने बताया 3 से 5 का, तो लगभग हम उस समय जो गतिविधियाँ हुई है उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो और पुलिस के काम होते हैं जो अभी यहाँ ओपनली बताने वाले नहीं हैं,
आसूचना संकलन का हुआ या पूछताछ का हुआ या संदिग्धों की मैपिंग का हुआ, वो सारे काम भी हम कर रहे हैं। और अभी आप ये समझो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी भी यही केस है, हम इसी में लगे हुए हैं सुबह से, और हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी मिले। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको दोबारा मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज आदमी इसको बरामद करें कैसे भी। तो आप एक बार जाएं और परिवार का ध्यान रखें और हम इसमें लगते हैं। लोग मंदिरों में फिरते हैं बच्चों के लिए, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, और बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न है, वो हमारा भी कंसर्न है। साथ भी आता सर, मैं आज रात से 5 बजे से हम सुरक्षा संघ का सपोर्ट करते सर। जनता का बच्चा नहीं मिलता है, हम ये कहेंगे कि बाड़मेर प्रशासन द्वारा उस बच्चे की हत्या की गई। हमारे हाथ तब तक बच्चा नहीं आता है तब तक उस बच्चे की आपने हत्या की है प्रशासन ने। बिल्कुल रुपए का बजट हॉस्पिटल में आया है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो जिला प्रशासन से हमने बात की है। सिटी कोतवाली की क्या जिम्मेदारी रहती है सर, वो भी आप ध्यान करें। नाइट में आप कह रहे हो कि हमारे जवान लगे हुए गश्त में, तो गश्त के जवानों से पूछो आप नाइट में कहाँ थी, उनकी ड्यूटी कहाँ थी। हॉस्पिटल में आपने कितने आपने पुलिसकर्मी लगा रखे, कितने होमगार्ड के जवान रखे हैं, वो सर डिटेल मांगू। आज ये एक घटना हुई है, इसके अलावा हमेशा की घटनाएं होती है शहर के चलते, नागरिक को कोई कोतवाल पीट लेता है, ऐसी घटना सर दूसरी बार ना हो। हम तो ये कहते हैं आपके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अच्छा काम करे, हम ये कहना चाह रहे हैं। कुछ आपकी छोटी जो मशीनरी है ना सर, उससे वो यार हम दुखी हैं। ऐसे में एक बार वैसे में नाम नंबर दिए उनके पास, नाम उसके मास्क नहीं, और एक आदमी उठकर ये तेरे पास नहीं है। राजनीतिक दबाव कार्रवाई कम की स्लो की जाए, राजनीतिक दबाव बिल्कुल सर, बच्चा किसी बड़े परिवार के द्वारा उठाया गया और उसके घर में है, तो भूल जाती सर 12 घंटे अगर किसी के साथ हल्का सा एक्सीडेंट भी होता है उसके क्या सर। हम एक सभ्य समाज है और आपका कोऑपरेट करे 12 घंटे से, हम ये नहीं चाहते क्योंकि बड़ा आंदोलन और फिर यार एक बार बताओ आंदोलन करोगे तो बच्चा कौन ढूंढेगा। बिल्कुल सर, हम ये कहना चाह रहे हैं आप सहयोग करें सर, आप सहयोग करें, ढूंढने दें, हम करते हैं 12 घंटे सर हम कर रहे हैं और आगे की रिपोर्ट करवा दें, कोशिश कर रहे हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं सर। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं, मतलब कितनी यार अब देखो ये एक ऐसा इशू होता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, हम ये कह रहा हूँ मैं आपको कि हम सोएंगे नहीं जब तक कि बच्चा है, बस बच्चे के साथ हॉस्पिटल का भी कुछ पहले बच्चा तो आ जाए यार, वो तो आएगा ना आएगा वो एक बात, क्यों नहीं आएगा यार। लेकिन ये भी आप एक शक्ल से कहो थोड़ा खुल के, देखो ऐसा है कि वो हॉस्पिटल का भी संज्ञान लिया जाएगा, लिया जाएगा। जाएगा। हमारे साथ हुआ, इसके साथ साथ और भी कई सारे लोग यहाँ उनके साथ भी कल होगा, बिल्कुल करेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। और क्या प्रकरण पूरा है आज, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जगदीश राजपुरी नाम है, राजपुरी समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए, उसके साथ ही सर्व समाज का भी सहयोग है। सुबह 5 बजे राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर, जो बाड़मेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है और यहाँ की व्यवस्थाओं को आलम को लेकर हमेशा अखबारों के पृष्ठ भरे जाते हैं कि हॉस्पिटल में हज़ारों की संख्या में पैसा आया और अच्छी व्यवस्था है, परंतु इस व्यवस्था का नज़ारा सुबह देखने को मिला। सुबह 5 बजे गर्भवती महिला थी जिसकी 2 दिन पहले डिलीवरी हुई थी सीजर, उसके बच्चे को 5 बजे अस्पताल से चुरा लिया गया अज्ञात व्यक्तियों को या अज्ञात महिलाओं द्वारा किसी के द्वारा। सुबह 5 बजे चुराने के बाद अब शाम के 5 बजने को आए, प्रशासन द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है और नहीं उचित जवाब दिया जा रहा है और नहीं उचित कार्रवाई की जा रही है। अभी आप कलेक्टर और SP से मिले, क्या कहा उनको? कलेक्टर साहब और SP साहब से हम मिले, उन्होंने मात्र ये आश्वासन दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, प्रयास करें हमें सफलता मिलेगी, परंतु हमें नहीं लग रहा है कि इनके प्रयास उचित है क्योंकि हॉस्पिटल जो CCTV कैमरे लगी हुए वो सब के सब बंद पड़े हैं। आपने अल्टीमेटम भी दिया है इनको प्रशासन? बिल्कुल, हमने आज दिन का अल्टीमेटम दिया है और सुबह अगर सुबह तक हमें उचित कार्रवाई करके हमारे भाई को हमें सुपुर्द नहीं किया गया तब तक सुबह मॉर्निंग में हम आमरण अनशन करेंगे और विशाल आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। सर एक बाड़मेर के जिला अस्पताल से 12 घंटे हुए जो बच्चा है मासूम नवजात वो गायब हैं और इनके परिजन भी यहाँ आए थे, SP और कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या इन लोगों की मांग है और क्या पुलिस कर रही है अब तक?
इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्दी से जल्दी उस लड़के की बरामदगी हुई है। इस संबंध में सुबह से ही हम लग रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर दिया था, उसी टाइम कर दिया था इन्होंने। जब भी रिपोर्ट दी हमने तुरंत दर्ज कर लिया और SP साहब ने तुरंत बुला के डिप साहब को और मेरे को जो डायरेक्शन दिए उस हिसाब से हम काम करें। उन्होंने टीमें भी गठित की है, अभी तक कोई लग रही है, अभी तक कोई सुराग मिला है? वो अब 5 बजे साहब ने मीटिंग बुलाई है और कौन कौन को क्या क्या टास्क दिया उस हिसाब से काम करके वो बताएंगे। अभी उनसे संपर्क हमने किया, हम हर कोई अपना अपना हिसाब से उनको जो टास्क दिया। सर ये पुलिस जो हॉस्पिटल चौकी है उनकी भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि गार्ड की जिस प्रकार से ये चोरी है, वहाँ प्राइवेट गार्ड के लिए एक पूरा 32 आदमी और एक गार्ड इंचार्ज है, उनको अलर्ट रखा है ऑलरेडी। और कोरोना से पहले उन वो व्यवस्थित तो पुलिस के हिसाब से चल रहे, अब वो अपने हिसाब से गार्ड लगा रहे हैं। ये बीच में उन्होंने गार्ड क्यों नहीं लगाया, ये उनकी ड्यूटी है। पहले ये बता देते कि भाई हमारे ये समस्या है तो हम हमारे स्तर से व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल, और अब देखेंगे बिल्कुल सीरियसली इसको देखेंगे। ठीक है।